गुड इवनिंग फ्रेंड्स, HH डिजायर में आपका स्वागत है। वेलकम टू HH डिजायर। दोस्तों, आप लोगों के लिए फिर मैं एक न्यू वैकेंसी लेकर आया हूँ। देखिए, जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर न्यूक्लियर रिसाइकिल बोर्ड में निकली हुई है, जिसमें दो कैटेगरी की वैकेंसी निकली हुई है। ये ट्रेनिंग के लिए है 2 साल। कैटेगरी 1 में 71 वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें केमिकल में 8 वैकेंसी। इसके लिए क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, इसके लिए BSc होना चाहिए केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स से। सिविल में 5 वैकेंसी निकली हुई है, सिविल में 5 वैकेंसी। उसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल में 13 वैकेंसी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स में 4 वैकेंसी, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स। मैकेनिकल में 32 वैकेंसी, क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इसमें 2 ईयर डिप्लोमा या 3 ईयर डिप्लोमा दोनों ही मान्य हैं, जिसके लिए परसेंटेज मिनिमम 60% होना अनिवार्य है। कैटेगरी 2 के लिए 189 वैकेंसी है, जिसमें AC मैकेनिक 15 वैकेंसी, इलेक्ट्रीशियन 25 वैकेंसी, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक 18 वैकेंसी, फीटर 66 वैकेंसी, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक 13 वैकेंसी, मैकेनिस्ट 11 वैकेंसी, टर्नर 4 वैकेंसी, वेल्डर 3 वैकेंसी, ड्राफ्टमैन 2 वैकेंसी। इसके लिए क्वालिफिकेशन ITI होना चाहिए, मिनिमम 60%। लेबोरेटरी असिस्टेंट, इसके लिए HSC होना चाहिए, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक मिनिमम 60% होना चाहिए। प्लांट ऑपरेटर में 28 वैकेंसी निकली हुई हैं, जिसके क्वालिफिकेशन HSC इन साइंस स्ट्रीम में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब्जेक्ट के साथ होना चाहिए, मिनिमम 60% अनिवार्य है। दोस्तों, इसकी एज की बात करें तो कैटेगरी 1 के लिए 18 से 24 ईयर्स होना चाहिए, कैटेगरी 2 के लिए 18 से 22 ईयर। इसमें OBC SC ST के लिए PWD के लिए छूट भी देती है। आप इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को एक बार पढ़ लें अप्लाई करने से पहले। ट्रेनिंग के दौरान आपको फर्स्ट कैटेगरी 1 के लिए फर्स्ट ईयर में आपको 16,000 रुपये मिलेंगे दिए जाएंगे, और सेकेंड ईयर में 18,000। कैटेगरी 2 के लिए 10,500 फर्स्ट ईयर, और सेकेंड ईयर में 12,500 दिए जाएंगे। सिलेक्शन मेथड इसमें कैटेगरी 1 के लिए हैं, इसमें डिसिप्लिन से 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। 1 क्वेश्चन के 3 मार्क्स होंगे, 1 नेगेटिव क्वेश्चन के 1 मार्क होंगे। और कैटेगरी 2 के लिए 2 टेस्ट होंगे। पहले टेस्ट में मैथमेटिक्स, साइंस और जनरल अवेयरनेस होगा। दोस्तों, इस नोटिफिकेशन को आप अपने अनुसार एक बार पढ़ लीजिएगा अप्लाई करने से पहले, आपको पूरी जानकारी हो जाएगी। आगे आपको बताते हैं, इसको ट्रेनिंग पूरा होने के बाद कैटेगरी 1 को पोस्ट क्या मिलेगी। साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रुप C, जिसका सैलरी होगा 44,900। कैटेगरी 2 टेक्नीशियन ग्रुप C, जिसकी सैलरी होगी 21,700, 25,500। दोस्तों
हमारे वीडियो को आप शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे मोटिवेशन हमको मिलता रहे। जितना मोटिवेट करेंगे आप लोग, जितना शेयर करेंगे, उतना ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी आप लोगों के लिए लाता रहूँगा प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में। जॉब इंटरव्यू भी लेकर आऊँगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।